ये एक कोल्हू है जिसमें गुड़ भी बनता है, खांड और शक्कर भी बनती है। कोल्हू पर गुड़ बनाने के तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन देसी खांड बनते हुए शायद नहीं देखी होगी। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी में खांड में घी डालकर चावल के साथ बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाजार में ज्यादातर जो खांड मिलती है वो चीनी का बचा हुआ बुरादा होता है, जिसमें सल्फर और बहुत सारे केमिकल होते हैं। लेकिन असली देसी खांड तो कोल्हू में सीधे गन्ने के रस से ही बनती है। तो चलिए देखते हैं कोल्हू में गन्ने के रस से असली देसी खांड कैसे बनाई जाती है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले कोल्हू में गन्ना डाला जाता है, फिर गन्ने का रस सीधे पहले इस कढ़ाई में आता है। यहाँ तीन कढ़ाई लगे हैं, तीनों कढ़ाहों के नीचे आग जलती है। शुरू में पहले कढ़ाई में जो रस गर्म होता है उसमें नेचुरल पौधों की सुखलाई डालकर गन्ने के रस की मैली निकाली जाती है। फिर इस रस को दूसरे कढ़ाई में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ भी इस कढ़ाई में जो मैली बच जाती है उसे फिर से निकाला जाता है। इसके बाद इस रस को पकने के बाद तीसरे कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया जाता है। तीसरे कढ़ाई में रस को भूरा लाल होने तक पकाया जाता है, फिर इसे यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ से बाल्टी में भरकर पके हुए रस को स्लाइजर में डाला जाता है। इस स्लाइजर में एक सप्ताह तक रस की पलटाई की जाती है। जब स्लाइजर में पका हुआ रस दानेदार हो जाता है तो इसे यहाँ इस मशीन में डाला जाता है और फिर स्पीड से इस मशीन को घुमाया जाता है। दानेदार रस को मशीन में डालकर स्पीड से घुमाने से इसमें लिक्विड पोर्शन अलग निकल जाता है और प्योर देसी खांड मशीन में रह जाती है। ये देखिए प्योर देसी खांड। अब इस खांड को निकाल कर बोरी में भर लेते हैं और इसके बाद कुछ दिन इसे धूप में सुखाकर पैक कर दिया जाता है। अब ये देखिए प्योर देसी खांड आपके लिए तैयार है। शुद्ध देसी खांड बनने का यही तरीका है। अब जिस कोल्हू पर आपने ये खांड बनते हुए देखी है उसके ओनर से भी मिल लेते हैं। ये है जय भगवान आर्य, हरियाणा में जींद जिले के शाहपुर गाँव के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने खेत में ही ये कोल्हू लगा रखा है। ये ऑर्गेनिक गन्ने के रस से शुद्ध गुड़, खांड और शक्कर तैयार करते हैं। ये उन किसानों से गन्ना खरीदते हैं जो प्योर ऑर्गेनिक तरीके से गन्ना उगाते हैं। जय भगवान आर्य किसानों को गन्ने का मार्केट रेट से दुगना दाम देते हैं। इनकी कोशिश है कि किसानों को गन्ने के अच्छे रेट मिले और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिले। आप इनके कोल्हू पर आकर शुद्ध देसी खांड, गुड़ और शक्कर बनते हुए देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।